अगर आप भी चाहते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीते तो एक लाइक जरूर करेगा। आप सभी को बताएं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच सेकंड टेस्ट मैच का पहले दिन के खेल के बाद तस्वीरें काफी कुछ क्लियर हो गई थी, लेकिन दूसरे दिन तो भारतीय बल्लेबाजों का रनों का तूफान देखने को मिला, जहां रोहित शर्मा और हनुमा विहारी मैदान पर टिके हुए। दूसरी तरफ श्रीलंका टीम के खिलाफ जसप्रीत बुमराह यानी कि वाइस कैप्टन ने मोर्चा खोल दिया और आधी टीम को अकेले दम पर पवेलियन भेजा। किस तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में बढ़त बना ली, पूरी जानकारी आपको देने वाले अपनी एक वीडियो में। लेकिन जिस अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। बता दें दोस्तों, किस तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत अच्छी बढ़त बनाए हुई है। अभी तक सेकंड टेस्ट मैच बेंगलुरु के चिन्नस्वामी मैदान पर यह खेला जा रहा मुकाबला है और जिस तरीके से भारतीय टीम खेल दिखा रही है, इनको रोक पाना असंभव हो रहा है रोहित शर्मा की कप्तानी में, और टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके पीछे का रीज़न एक ये है कि भारतीय टीम ना सिर्फ T20 ODI बल्कि टेस्ट में भी गजब का खेल दिखा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक क्रिकेट टीम के लिए उसका टीम स्पिरिट, और जिस तरीके से मैदान पर अभी तक रोहित शर्मा की कप्तानी भारतीय टीम के स्पिरिट देखने को मिली वो गजब की थी। ना कोई गलती कर रहा है फील्डिंग डिपार्टमेंट में, ना कोई गेंदबाजी डिपार्टमेंट में गलती, ना ही बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में कोई गलती, तीनों ही डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहे हैं और सबका श्रेय जाता है रोहित शर्मा को। वैसे विराट कोहली ने भी अपनी कप्तानी में कई मैच जिता कर दिए, लेकिन जिस तरीके से युवा प्रतिभा खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में, एक के बाद एक सीरीज जिताते जा रहे हैं, तो ये काबिले तारीफ वाला काम है। अगर यहाँ से रोहित रन नहीं बना रहे, विराट रन नहीं बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खिलाड़ी अपने दम पर ही मैच जिताकर दे रहे हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत जैसे माहिर तराशे गए खिलाड़ियों की यहां पर बात निकल कर सामने आती है। अब बात करें दोस्तों सेकंड टेस्ट मैच के फर्स्ट सेशन तक के हाईलाइट के बारे में, तो सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये सेशन रहा 5 विकेट इस सेशन में गिरी, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहा वो श्रीलंका टीम के नजरिए से था, वो 109 यानी कि 109 रन पर ही ऑल आउट हो गई पूरी की पूरी श्रीलंका टीम। सबसे एक दिक्कत वाली बात श्रीलंका के लिए ये नज़र आई कि इनकी बल्लेबाजी उतनी फॉर्म में नज़र नहीं आई है। 200 तक का आंकड़ा पार करने में इनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। जिस तरीके से श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करी इस पूरी सीरीज के दौरान, इसने काफ़ी निराश किया। कप्तान दिमुत करुणरत्ने के इससे पहले कई सारे ऐसे वादे थे जिनको देख ऐसा लग रहा था कि चलिए रोहित को कप्तानी में हराने वाला कोई तो निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन जब ये भी आए तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये भी बहुत जल्दी आउट होते नजर आए। दोस्तों श्रीलंका की टीम भारतीय टीम के सामने टिकी नहीं पा रही। अगर बात करें इस सीरीज की, तो इस सीरीज में एकमात्र निरोशान डिकवेला हमें देखने को मिले हैं जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, और एक पथुम निशांका ने फर्स्ट टेस्ट में, ये दो बल्लेबाजी हाफ सेंचुरी लगा पाए इस पूरी सीरीज के दौरान। बाकी भारतीय टीम ने तो कमाल की बल्लेबाजी कर ही रखी है। बात करें सेकंड टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल के बारे में, हुआ ये दोस्तों कि भारतीय टीम ने पहले इनिंग के दौरान बनाए थे 252 रन 10 विकेट के नुकसान पर, जहां भारतीय टीम ज़्यादा मजबूत तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जिस तरीके से श्रीलंका टीम के खिलाफ गेंदबाजी हुई वो सबसे चमत्कारी एक तरीके से एक्सपीरियंस रहा भारतीय टीम का, क्योंकि सिर्फ 109 रन पर ऑल आउट हो गई श्रीलंका की टीम, जहां पर हम सभी ने देखा जसप्रीत बुमराह ने 5 का पंजा खोला यानी कि 5 विकेट चटकाई श्रीलंका टीम की, और अश्विन ने 2, शमी ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट चटकाई। 109 रन पर आउट हो गई थी पूरी की पूरी श्रीलंका टीम, और यहां से श्रीलंका की टीम बहुत जल्दी पिछड़ती नजर आई। हुआ ये दोस्तों कि जब भारतीय टीम ने 252 रन बनाए थे और श्रीलंका ने 109 रन, तो 143 रन की लीड आसानी से भारतीय टीम ने पहली इनिंग के दौरान ले ली, और अब सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करने उतरी है टीम इंडिया, जहां पर 61 रन यानी 61 रन बना लिए टीम इंडिया ने पहली विकेट खोकर। इसे मयंक अग्रवाल ने एक बार फिर से निराश किया, और ये न्यूजीलैंड सीरीज के बाद से ज्यादा कमाल की फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान भी कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल फ्लॉप साबित रहे थे, और अब श्रीलंका सीरीज के दौरान भी ये फ्लॉप रहते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में शुभमन गिल को इनकी जगह पर रिप्लेस किया जा सके। अब टी ब्रेक तक का हाईलाइट आपको बताएं तो 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया यहां पर 61 पर 1 विकेट खो चुकी है। रोहित शर्मा 48 बॉल्स में 13 रन बनाकर नाबाद खड़े हैं, और 27 गेंदों में 8 रन बनाकर हनुमा विहारी को यहां पर नंबर 3 पर मौका दिया गया है, और नंबर 5 पर हमें श्रेयस अय्यर देखने को मिल रहे हैं अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की जगह पर। सबसे इंटरेस्टिंग तो यही था कि भारतीय टीम क्या सीनियर खिलाड़ी को बेंच पर बिठाती है या नहीं, अगर बेंच पर बिठाती भी है तो क्या भारतीय टीम मुकाबले जीत पाती है या नहीं। तो साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद जिस तरीके से विराट कोहली ने कप्तानी पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद रोहित शर्मा को तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी दी गई, वो सबसे इंटरेस्टिंग था, वो सबसे कह सकते हैं एक रोमांचक मोड़ था, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले अगर आप उठाकर देखेंगे टीम इंडिया टेस्ट की, तो रोहित शर्मा आपको बेंच पर ही बैठे नजर आएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा को हर कोई यही कहता था कि ये टेस्ट का खिलाड़ी है ही नहीं, इसकी फिटनेस देखकर काफी सवाल खड़े होते थे। लेकिन आज देखिए रोहित शर्मा को जिस रेस से निकालने की बात चल रही थी, आज वो उसी रेस के हीरो हैं।
यानी कि रोहित शर्मा है कप्तान भारतीय टीम के। तो एक बदलाव के साथ टीम इंडिया उतरी थी। पिछले मुकाबले में जयंत यादव को मौका दिया था, इस मुकाबले में अक्षर पटेल को मौका दिया है। अभी तक अक्षर पटेल ने अच्छा काम किया है, लेकिन फर्स्ट इनिंग के दौरान जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने 98 बॉल्स में 92 रन की पारी खेली थी और 26 बॉल में 39 रन की पारी ऋषभ पंत ने, सबने यहां पर इनकी पारी देखकर काफी तालियां पीटी थी, क्योंकि जिस तरीके से इन दो बल्लेबाजों ने टेस्ट को T20 बना दिया था वो देखने लायक था। भारतीय टीम इस समय कह सकते हैं कि टेस्ट में भी T20 की तैयारियां करती नजर आ रही, कमर की पेटी कस रही ताकि इनको कोई दिक्कत नजर ना आए। अश्विन की बात करें तो अश्विन तो गेंदबाजी से कमाल दिखा ही रहे हैं, ऊपर से बेंगलुरु चिन्नस्वामी का मैदान और भारतीय टीम गजब का खेल दिखा रही है, जिसमें विराट कोहली के नारे लगते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में बेंगलोर की जर्सी रिलीज हुई है दोस्तों, बेंगलोर की जर्सी यहां पर अनाउंस की गई, जिस तरीके से कुछ अजब सा नजर आ रहा है उसमें। और वहीं दूसरा फैफ डु प्लेसिस कप्तानी दी गई, तो चिन्नस्वामी के मैदान, बेंगलुरु की टीम्स और मतलब काफी कुछ एक्साइटमेंट देखने को मिला। लेकिन डे टू टी ब्रेक तक साफ तस्वीरें हैं कि टीम इंडिया की लीड 204 रन की यानी कि 204 रन की हो चुकी है और भारतीय टीम इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ जीत के इरादे से खेलेगी। लेकिन टीम इंडिया कितनी देर बल्लेबाजी करती है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके सामने अगर कुछ तस्वीरें क्लियर करें तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि टीम इंडिया जिस तरीके से अभी बल्लेबाजी कर रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि टीम इंडिया की इंटेंशन यह है कि बचे दो सेशन और बल्लेबाजी यही करना चाहेंगे। इसके पीछे का रीजन दोस्तों हमने अपनी पहली वीडियो में भी चर्चा की थी कि जिस तरीके से भारतीय टीम का बल्लेबाजी का फॉर्म है, पिछले कुछ मुकाबले गेंदबाजों के दम पर जीते और जो पिछला मुकाबला टेस्ट में जीती थी उसमें रविंद्र जडेजा ने 175 रन की पारी खेली थी और श्रेयस अय्यर ने 96 रन बनाए थे, हनुमा विहारी ने 58 रन यानी 58 रन बनाए थे और दूसरे छोर से विराट कोहली ने 45 रन बनाए थे और अश्विन ने 61 रन की पारी यानी कि 61 रन की पारी खेली थी, वो भी नहीं भूल सकते। तो कुल मिलाकर जो टैलेंटर बल्लेबाज हैं और जो फिनिशर की भूमिका निभाते हैं वो अब अपना प्रॉपर बल्लेबाजी का फॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो इस समय ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहे। तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज से हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर रन बनाएंगे सेकेंड इनिंग के दरमियान। मयंक अग्रवाल 34 गेंदों में 22 रन बनाकर, लसित एम्बुलदुनिया गेंद पर आउट हुए, धनंजय डी सिल्वा ने इनको चलता किया। 11वें ओवर की वो चौथी गेंद थी, 42 रन पर टीम इंडिया को पहला झटका लग चुका है। लेकिन टीम इंडिया इस गेंदबाजों के पक्ष वाली पिच पर भी अगर बल्लेबाजी करके 350 रन बनाती है सेकेंड इनिंग के दौरान, जो हम सब भी देखना चाहेंगे, भले ही यहाँ पर श्रीलंका के लिए मुसीबत अभी से ही खड़ी हो क्योंकि 200 रन भी चेस करना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम टीम इंडिया से उम्मीद करते हैं कि सेकेंड इनिंग में विराट कोहली को भी पूरा बल्लेबाजी का मौका मिले जब तक वो आउट नहीं जाती और दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी बल्लेबाजी जारी रखें जब तक वो आउट नहीं हो जाते, जब तक विराट और कोहली रोहित की फॉर्म वापस नहीं आ जाती। तो फॉर्म वापस लाने के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहां पर टीम इंडिया भी और बल्लेबाजी करना चाहेगी। ठीक 2 बजे ये मुकाबला शुरू हुआ था, आज दूसरे दिन का ही खेल है। उम्मीद करते हैं टीम इंडिया यहां से कुछ बड़ा करके ही वापस पवेलियन आएगी। आज के दिन के पूरा दिन खेले तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आप ये मुकाबला डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप और साथ ही साथ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आपको लाइव अपडेट तो मिलते रहेगी। तो टीम इंडिया का स्कोर सेकंड इनिंग में 61 रन एक विकेट के नुकसान पर 204 यानी 204 रन की लीड हो चुकी है। अब देखते हैं किस तरीके से टीम इंडिया आगे खेल चलाती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।